आगे बढ़ते हैं। मिशन 2019 के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तीसरे मोर्चे की कवायद भी तेज हो गई है, जिसमें गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी वाले दल शामिल हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी की अलग सियासी खिचड़ी पक रही है। इसी सिलसिले में केसीआर ने नवीन पटनायक से मुलाकात की, वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूपी में कांग्रेस से किनारा किया जा रहा है मायावती और अखिलेश ने, तो कांग्रेस के लिए भी आसान डगर 2019 की नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बढ़िया प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के लिए नए दरवाजे जरूर खुलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित भट्ट जुड़ गए हैं। मोहित, कांग्रेस के लिए बहुत आसान डगर नहीं दिखाई दे रही है, अब ये तीसरे मोर्चे की भी अगर बात निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है इस सबसे। जी बिल्कुल, और केसीआर ने शुरू से ये कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज को एक साथ आना चाहिए ताकि एक थर्ड फ्रंट, एक फेडरल फ्रंट बन सके, जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी ना हो, एक नया अल्टरनेटिव निकले रीजनल पार्टीज का नेशनल लेवल पे। और इसी को लेके जो है कल उनकी मुलाकात रही है नवीन पटनायक से, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और पूरा इस मामले को लेकर चर्चा हुई। और उसके बाद जब दोनों मुख्यमंत्री बाहर आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक रीजनल पार्टीज का अलायंस हो, कि ना जिसमें कांग्रेस हो ना ही बीजेपी हो। हालांकि बातचीत शुरू हो गई है, कुछ कंक्रीट अभी तक नहीं निकला है, लेकिन हमने बातचीत शुरू कर दी है। और इसी के चरण में आज जो है उम्मीद है कि जो केसीआर है उनकी मीटिंग होगी ममता बनर्जी से, और उसके बाद वो दिल्ली आएंगे, दिल्ली में उनकी मुलायम मायावती से और अखिलेश यादव से जो है मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और कई जो है कैबिनेट मंत्रियों से मिलेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों से उनकी मुलाकात जो है वो तेलंगाना के मुद्दों पर होगी। तो एक तरह से जिस तरह से एक थर्ड फ्रंट की जो बात केसीआर करते हैं उसका लेके कांग्रेस को बिल्कुल उसका नुकसान जरूर होगा, क्योंकि वो केसीआर ने कहा है कि बिना कांग्रेस का हमें एक थर्ड फ्रंट चाहिए, और अगर महागठबंधन जो है जिसमें कांग्रेस है उसमें रीजनल पार्टीज नहीं जाती है और केसीआर के थर्ड फ्रंट में जाती है तो इसका जरूर फायदा बीजेपी को होगा। और इसी को लेकर जो है कांग्रेस कई बार केसीआर के ऊपर हमला करती है और कहती है कि बी टीम की तरह बीजेपी की वो काम करते हैं। हालांकि केसीआर ने कई बार इस बात को झुठलाया और उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि रीजनल पार्टीज एक सेम पेज पे आए और एक फेडरल फ्रंट दे। तो 2019 के लिए क्या रहेगा माहौल, ये देखना जरूरी होगा कि क्या ये जो सब रीजनल पार्टीज हैं जिनसे केसीआर मिल रहे हैं, क्या वो महागठबंधन में जाते हैं जिसमें कांग्रेस भी है, या फिर वो फेडरल फ्रंट में ही रहते हैं जहां पे सिर्फ रीजनल पार्टीज रहेंगी। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे जाके मुकाबला कैसे रहेगा, क्योंकि एनडीए जो है आखिरकार अब लगता है कि उसने अपने अपनी सारी जो है साथियों को एक साथ कर लिया है, क्योंकि कल जिस तरह से जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी में सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई तो ऐसा लगता है कि बिहार में तो अभी तक एनडीए में सब कुछ सही है, अब ये सब कुछ सही महागठबंधन में भी होता है, फेडरल फ्रंट में भी होता है, ये देखना जरूरी है। देखा जाए तो महागठबंधन की जब भी बात सामने आती है तो सबकी जो उम्मीदें हैं वो बहुत बड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी अपने नेतृत्व की बात करती हैं, अब अगर केसीआर इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी उम्मीदें होंगी। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से लोकसभा में बहुत ज्यादा सीट्स हैं और प्रधानमंत्री पद भी वहीं से ज्यादातर तय होता है, तो ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती क्या साथ छोड़ेंगे? क्योंकि अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर चाहे लड़े या ना लड़े, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो क्या उत्तर प्रदेश में केसीआर या ममता बनर्जी सफल हो पाएंगे कि इनको तीसरे मोर्चे में शरीक कर लिया जाए? देखिए शोभना, राजनीति एक महत्वाकांक्षाओं का खेल है और हर कोई चाहता है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम ही प्रधानमंत्री बने। इसी को लेके जो है हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कई बार राहुल गांधी के समर्थन में नजर नहीं आए हैं। उसी तरह से मायावती ने भी कुछ साफ नहीं कहा है कि क्या वो अगर राहुल गांधी महागठबंधन का चेहरा बनते हैं तो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे कि नहीं, ये भी अभी साफ नहीं किया है हमने देखा है। तो जो रीजनल पार्टीज है वो यही चाहेंगी कि उनके जो नेता है वो प्राइम मिनिस्टर फेस हो। चाहे आप टीएमसी की आपने बात की, टीएमसी के पास भी काफी लोकसभा सीटें हैं और उनके भी कई नेता है वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है अगला प्रधानमंत्री का चेहरा होनी चाहिए उनकी तरफ से। तो क्या इन सबको एक पेज पे लाना मुमकिन हो पाएगा, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए का साफ है कि चाहे सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ भी बात हो, लेकिन चेहरा जो उनका है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। लेकिन क्या फेडरल फ्रंट का चेहरा केसीआर रहेंगे, क्या महागठबंधन का चेहरा राहुल गांधी रहेंगे, इसको लेकर बहस जारी है। तभी जो है सारी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा और सबको बातचीत करनी होगी, लेकिन अब तक उस बारे में कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है और इसका खामियाजा जो है महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका इस पूरी एनालिसिस के लिए।